नमस्कार मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज आपके साथ में चर्चा करूंगी हिंदी भाषा शिक्षण व्याख्यान श्रृंखला दो के ऊपर हिंदी भाषा शिक्षण इससे पूर्व जब हमने हिंदी भाषा शिक्षण पर चर्चा करी थी तो उसमें हमने हमारी जो मानक हिंदी शब्दावली है और हमारे वर्ण है व्यंजन है स्वर है उन पर विस्तृत चर्चा करी थी आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हिंदी भाषा शिक्षण भाग दो में रचना के आधार पर शब्द शब्द शक्ति के आधार पर शब्द और व्याकरणिक आधार पर शब्द ये मुख्य बिंदु हम लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके साथ इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी रचना के आधार पर शब्द यानी रचना जो की जाती है उसके आधार पर शब्द कौन कौन से हैं पहला शब्द आता है रचना के आधार पर शब्द रूढ़ शब्द दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द ये तीन प्रकार रचना के आधार पर जब हम शब्दों की बात करेंगे तो सबसे पहले रूढ़ शब्द उसके बाद यौगिक शब्द और यौगिक शब्द के बाद योग रूढ़ शब्द ये तीन आते हैं बात करते हैं रूढ़ शब्द की रूढ़ शब्द क्या है किसे रूढ़ शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मेल नहीं बनाते हैं जिनके खंड नहीं होते हैं और जो अपने आप में पूर्ण शब्द कहलाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है देखिए इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे मैं एक 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 सामान्य बात आपसे करती हूँ रूढ़ कभी कभी कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में यानी किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आता दूसरे की बात नहीं मानता या अपने सिद्धांतों नियमों आदर्शों और मूल्यों के साथ जब समझौता नहीं करता है जो जैसा है वो वैसा ही रहता है तो कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत ही रूढ़ है यानी उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे बदला नहीं जा सकता ऐसे ही हिंदी भाषा शिक्षण में जब हम रचना के आधार पर शब्दों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रूढ़ शब्द है उस रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं यानी किसी और के मेल से नहीं है वो अपनी उनकी मौलिकता होती है जिनके खंड नहीं होते यानी जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो अपने आप में पूर्ण हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं उदाहरण के तौर पर हाथ हाथ जो है वो अलग अलग आप उसको नहीं कर सकते और किसी और शब्द से भी नहीं बना हाथ हा और थे को यदि अलग अलग कर देंगे तो कोई मीनिंग नहीं मिलेगा हाथ को हम बदल नहीं सकते हैं वो अपने आप में पूर्ण है सूर्य दिन दी और न को यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो कोई मायने नहीं रह जाते पशु पै और शू को अगर अलग अलग कर देते हैं कोई मायने यानी ये जो मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूं हाथ सूर्य दिन पशु ये ऐसे शब्द हैं जो अन्य शब्दों के मेल से भी नहीं बने और इनके टुकड़े भी नहीं होते ये अपने आप में पूर्ण है इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं और रूढ़ शब्द के बाद मैंने दूसरे आपसे शब्दों के आधार रचना के आधार पर जब शब्दों की बात करी तो दूसरा हमारा है यौगिक शब्द योगिक शब्द ऐसे शब्द जो मूल शब्दों में अन्य शब्दों से है ऐसे शब्द जो मूल शब्दों में अन्य शब्दों शब्दार्थों उपसर्ग प्रत्यय आदि के मेल से और सहयोग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्दों की रचना इनके योग से होती है योगिक यानी योग दो जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा योग है बहुत अच्छा योग बना हुआ है योग का मतलब होता है कि दो जब कोई भी चीजें दो चीजें मिल जाती है और उन दोनों के मेल से उन दोनों के सहयोग से जो कुछ नया नई रचना होती है वो यौगिक होता है योग से बना हुआ होता है और ऐसे शब्द मूल शब्दों के साथ उनमें क्या क्या होते हैं या तो मूल शब्दों में कोई दूसरा शब्द जुड़ जाए किसी शब्द का अर्थ जुड़ जाए उपसर्ग जुड़ जाए प्रत्यय जुड़ जाए आदि के मेल से यदि जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्दों की रचना इनके योग से होती है किनके योग से होती है उपसर्ग के योग से जब किसी मूल शब्द के में उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो यौगिक शब्द कहलाता है जब किसी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो यौगिक शब्द कहलाता है जब किसी शब्द के साथ समास जुड़ जाता है तो भी वो यौगिक शब्द कहलाते हैं विपरीत अर्थ एवं मिलते जुलते शब्दों से जो शब्द बनते हैं वो भी यौगिक शब्द कहलाते हैं दिरुत्त शब्दों से जो शब्द बनते हैं वो भी यौगिक शब्द हैं और सार्थक एवं निरर्थक शब्दों से बनने वाले शब्द भी यौगिक शब्द है अब मैंने आपसे अभी चर्चा में कहा कि यौगिक शब्द उपसर्ग के साथ योग से बनने वाले प्रत्येक के योग से बनने वाले समास के योग से बनने वाले विपरीत अर्थ और मिलते जुलते से शब्दों से बनने वाले दिरुक्त शब्द से बनने वाले और सार्थक और निरर्थक शब्दों से बनने वाले जो शब्द हैं, वो रचना के आधार पर यौगिक शब्द कहलाते हैं उदाहरण के लिए यौगिक शब्द में सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि उपसर्ग के योग से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं अति प्लस आचार अत्याचार यानी अति उपसर्ग के साथ में आचार जब मूल शब्द जुड़ा तो अत्याचार हो गया और यह अत्याचार जो है वो यौगिक शब्द है अनु प्लस ताप अनु प्लस ताप अनुताप ये तो हो गया उपसर्ग का उदाहरण अब मैं आपको उदाहरण आपके साथ चर्चा कर रही हूं प्रत्येक योग से बने हुए यौगिक शब्द जैसे बड़ा प्लस आई बड़ाई यानी किसी की प्रशंसा करना बड़ा प्लस आई बड़ाई कला प्लस आई कलाई कलाई जो हम हाथ के कलाई को कहते हैं वो तो ये हमारे प्रत्येक जब प्रत्यय जुड़ गए हैं मूल शब्द मूल शब्द क्या था बड़ा कला ये मूल शब्द है और इनके साथ जब आई प्रत्यय जुड़ गया है तो कलाई और बड़ाई ये यौगिक शब्द बन गए हैं, समाज शब्दों से निर्मित होने वाले यौगिक शब्द जैसे राजकुमार राज प्लस कुमार सेनापति सेना प्लस पति गुड़ सवार गुड़ प्लस सवार पीतांबर, पीत प्लस अंबर यानी दो जो समाज शब्दों से जुड़ करके के बनते हैं जैसे राजकुमार सेनापति गुड़ सवार पीतांबर इत्यादि उसके बाद में हमने बात करी थी विपरीत अर्थ वाले शब्दों से बनने वाले यौगिक शब्द जैसे देश का विपरीत विदेश जीवन का विपरीत मरण पाप का विपरीत पुण्य गुण का विपरीत दोष ये सारे जो शब्द हैं, वो यौगिक शब्द है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों से बनने वाले यौगिक शब्द फटा पुराना सीधा साधा देखभाल, अत्र तत्र ये जो मिलते जुलते जो शब्द हैं, इनसे भी यौगिक शब्द बनते हैं और उसके बाद में मैंने एक शब्द बोला था आपके सामने दिरुप्त और पुनरुक्त शब्दों से यानी दुरुक्त यानी जहां एक ही शब्द की आवृत्ति होती है उसे दुरुक्त यानी जो दो बार दोहराया जाता है आप सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझ लेते हैं जहां एक ही शब्द की आवृत्ति होती है जैसे घर घर कोई कोई छोटे छोटे ये ये कुछ शब्द है है ना अलग अलग ये कुछ शब्द हैं जिनके आवृत्ति एक ही शब्द की जहां एक से एक ही शब्द की आवृत्ति होती है दो बार हो जाती है वो दुरुक्त और पुनरुक्त शब्द होते हैं और ये यौगिक शब्द हो जाते हैं यौगिक शब्द सार्थक एवं निरर्थक शब्दों से बनने वाले सार्थक क्या होता है सार्थक और निरर्थक यानी एक शब्द सार्थक है और दूसरा निरर्थक है तो ये जो सार्थक और निरर्थक शब्दों से जो योग बनता है वो भी यौगिक शब्द होते हैं जैसे कूड़ा करकट कूड़ा यानी कचरा जो है वो कूड़ा और उसके साथ ही जब हमने करकट यदि करकट का कोई भी मूल शब्द यानी मीनिंग पूछे अर्थ पूछे तो उसको उस, उसको आ, उसकी व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक सार्थक है कूड़ा सार्थक है करकट निरर्थक है दोनों जब मिल गए तो कूड़ा करकट हो गया पूछ ताच ये में पूछ सार्थक है ताच निरर्थक है उबड़ खाबड़ उबड़ सार्थक है खाबड़ निरर्थक है हक्का बक्का हक्का सार्थक है और बक्का निरर्थक है तो जो सार्थक और निरर्थक शब्दों से बनने वाले हैं वो भी यौगिक शब्द होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने सबसे पहले बात की थी रूढ़ शब्दों की जब रचना के आधार पर हमने शब्दों की बात करी तो रूढ़ शब्द रूढ़ के बाद में यौगिक शब्द और यौगिक शब्द के बाद में जो तीसरा आता है वो आता है यू, रो, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो योगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ शब्द हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं कैसे ऐसे शब्द जो योगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ शब्द हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है उदाहरण के लिए जलज का शाब्दिक अर्थ है जल से उत्पन्न पदार्थ किंतु उसका रूढ़ अर्थ है कमल ऐसे ही लंबोदर और उसका रूट शब्द क्या हो गया गणेश गणेश अपने आप में पूर्ण है किनी किनी शब्दों से मिलके नहीं बना उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते लेकिन लंबोदर गणेश का ही दूसरा नाम है लंबोदर लंबोदर क्या है यौगिक है और यौगिक होने के का लेकिन किसी एक जब शब्द की हम बात करते हैं एक अर्थ की बात करते हैं तो वहां पर वो रूढ़ हो जाता है और दूसरे अर्थ में यौगिक हो जाता है तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं अब ये मैं आशा करती हूं कि आपको रचना के आधार पर जो अभी मैंने शब्दों के बारे में बताया वो आप आत्मसात कर पाए होंगे उसे समझ पाए होंगे कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और योग योग रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द जो अपने आप में पूर्ण है जिनके टुकड़े नहीं होते हैं और जो किसी मेल से नहीं बने होते दूसरी बात हमने करी यौगिक शब्दों की यौगिक शब्द वो होते हैं जो उपसर्ग के सहयोग से प्रत्यय के सहयोग से समास के सहयोग से विपरीत अर्थ मिलते जुलते शब्दों के सहयोग से निरुक्त और निरुक्त शब्दों के सहयोग से सार्थक और निरर्थक शब्दों के सहयोग से बनते हैं ये यौगिक शब्द है और यौगिक के बाद में हमने तीसरी बात करी थी योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं यौगिक होते हुए भी लेकिन किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द करते हैं और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें अब हम बात करेंगे कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द शब्द की अपनी एक शक्ति होती है और उसके आधार पर कैसे हम शब्दों का विभाजन करेंगे कैसे हम शब्द शक्ति का विभाजन करेंगे और कितने प्रकार की शब्द शक्ति होती है प्रत्येक शब्द में किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं मैं पुनः दोहरा देती हूं अपनी बात को प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है पानी मैंने बोला पानी अर्थ का बोध होता है यानी पानी पानी के बारे में बताना चाह रही हूं या पानी पीना चाह रही हूं पानी मांग रही हूं और पानी का जल अर्थ हम आत्मसात कर रहे हैं ये होता है कि जब उसके अर्थ का बोध होता है तो उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं शब्द का अर्थ का बोधक अथवा व्यंजना भी कह... कह सकते हैं इसको हम शब्द शक्ति के साथ साथ शब्द का अर्थ भी कह सकते हैं बोधक भी कह सकते हैं और व्यंजक भी कह सकते हैं शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है पहली अभिधा दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति तीन प्रकार की है पहली हमने कहा अभिधा दूसरी हमने कहा लक्षणा और तीसरी हमने कहा व्यंजना अभिधा सबसे पहले हम अभिधा पे बात करते हैं अभिधा जो है वो है शब्द की शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहते हैं यानी शब्द की शक्ति शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध हो ज्ञान प्राप्ति हो उसे अभिधा कहते हैं जैसे पानी बरस रहा है प्रचलित अर्थ पानी बरस रहा है का मतलब बारिश हो रही है बरसात आ रही है वर्षा हो रही है ये उसका जो प्रचलित अर्थ है उसका जब हमें ज्ञान हो गया तो हम उसे शब्द शक्ति में उसे हम अबिदा कहते हैं दूसरी शब्द शक्ति में जो दूसरा हमने प्रकार की बात करी वो है लक्षणा शब्द, शब्द की शक्ति से शब्द की शक्ति से सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करना और भावार्थ का भिन्न होना लक्षणा कहलाते हैं सामान्य तरीके से आप इसे समझने की कोशिश करिए लक्षण लक्षण यानी किसी चीज के लक्षण जो प्रकट होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो लक्षणा हो जाता है लक्षण शब्द से लक्षणा बने हैं शब्द की शक्ति के सामान्य अर्थ के स्थान पर जैसे सामान्य अर्थ के स्थान पर पानी सामान्य अर्थ है पानी पीना है या जल की बात कर रहे हैं पानी पीना है पानी, पानी बरस रहा है पानी चाहिए पानी बिखरा हुआ है कुछ भी हम सामान्य अर्थ है इसके स्थान पर दूसरे अर्थ की कल्पना करना और भावार्थ का भिन्न होना यानी दूसरा इसका पानी का मान लीजिए जल की हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे अर्थ की एक तो कल्पना करी जाए और कल्पना के साथ साथ भावार्थ का भिन्न होना लक्षणा कहलाता है जैसे वह उल्लू है सामान्य अर्थ क्या हुआ कि उल्लू जो है वो एक पक्षी है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता रात में ही दिखाई देता है हमने कह दिया कि वह उल्लू है सामान्य अर्थ क्या हुआ उल्लू है उल्लू को यदि उल्लू बताया जा रहा है यदि किसी वृक्ष पर बैठे हुए किसी भी पक्षी को इंगित करके यदि हम कहते हैं कि वह उल्लू है तो यह उसका सामान्य अर्थ हुआ लेकिन इसके स्थान पर दूसरे अर्थ की कल्पना करना और भावार्थ का भिन्न होना लक्षणा कहलाता है जैसे वह उल्लू है इसमें व्यक्ति की मूर्खता को इंगित किया गया है यानी उल्लू से उसकी कल्पना की गई है कि उल्लू मूर्ख है ये व्यक्ति भी और भावार्थ भी निकल रहा है कि हम किसी की मूर्खता को इंगित कर रहे हैं मान लीजिए कि मैंने किसी से कहा कि आप मंद बुद्धि है है ना मंद बुद्धि है वह उल्लू है या हम ये कहें ये ये एक हम कहें कि गधा मंद बुद्धि है अब यहां तो हम सीधे गधे के लिए कह रहे हैं लेकिन हमने यदि किसी व्यक्ति को कहा कि मंद बुद्धि हो क्या तो वो वहां पे उसके कल्पना भी अलग हो गई और लक्षणा भी यानी उसकी बुद्धि का लक्षण मंद बताया गया है ऐसे ही उसका पानी उतर गया यानी उसे किसी चीज की शर्म नहीं है या उसके का अभिप्राय पानी उतरने का अभिप्राय प्रतिष्ठा से है पानी उतरने का अभिप्राय है पानी उतरने का मतलब ये नहीं है कि जल उतर गया कहीं से नीचे चला गया कहीं से उतर गया नहीं पानी उतरने का मतलब है कि किसी की प्रतिष्ठा में कमी आ जाना और किसी का बेशर्म हो जाना तो ये कल्पना है और ये भावार्थ है तो जहां पर शब्द शक्ति के सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना की जाए और भावार्थ भी भिन्न हो उसे हम लक्षणा कहते हैं यानी यह शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है लक्षणा पहला क्या था अभिधा था और अभिधा में हमने क्या कहा था कि प्रचलित अर्थ का ही बोध हो पानी बरस रहा है मतलब बारिश हो रही है वो प्रचलित है वो सब जानते हैं पानी बरसने का मतलब बरसात का होना है लेकिन यहां हमने कहा वह उल्लू है यानी हम किसी किसी कम बुद्धि वाले व्यक्ति की तुलना उल्लू के साथ में कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि जैसे उल्लू मंद बुद्धि होता है मूर्ख होता है वैसे कोई व्यक्ति मूर्ख है और हम साथ ही साथ उसका भावार्थ भी भिन्न निकाल रहे हैं तो इसमें लक्षण आ जाएगा शब्द शक्ति की जब प्रकारों की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे तीसरा हमारा आता है व्यंजना शब्द की शक्ति की अभिधा के साथ साथ भिन्न अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना और व्यंग कहते हैं कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में जो साहित्य के पढ़े हुए लोग हैं या भाषाविद हैं वो कभी कभी बात करते हैं कि व्यंग है या व्यंजना व्यंग और व्यंजना में बहुत अंतर है शब्द की शक्ति की अभिधा के साथ साथ शब शब्द शक, शक्ति के अभिधा हमने अभी भी बात करी अभिधा का मतलब है जो सामान्य अर्थ में प्रचलित अर्थ में है वो अभिधा है अभिधा के साथ साथ भिन्न अर्थ का बोध होता हो उसे व्यंजना और व्यंग कहते हैं जैसे सूरज निकल आया सोते हुए व्यक्ति को जगाने और उठाने के लिए जब ये कहा जाता है कि सूरज निकल आया तो ये व्यंजना और व्यंग दोनों है सूरज निकल आया सूरज निकलने का ये कहने का मतलब किसी को ये कहने का मतलब सोए हुए व्यक्ति को ये कहना कि सूरज निकल आया है उसे इस बात का बोध कराना होता है कि आप आलसी हैं सूर्य उदय भी हो गया है और आप ये अभी तक सो रहे हैं आपको उठ जाना चाहिए ये व्यंजना भी है और व्यंग भी है किसी को किसी पे व्यंग किया जाता है अभिधा के साथ साथ यानी सूरज निकलना जो अभिधा सामान्य सामान्य बोलचाल में यदि हम कहेंगे सामान्य अर्थ में यदि हम कहते हैं सूरज निकल आया तो इसका मतलब है कि सूर्य उदय हो गया लेकिन यदि किसी सोए हुए व्यक्ति को उठाने के लिए या जगाने के लिए यह कहा जाए कि सूरज निकल आया है तो वो वहां पर व्यंजना हो जाएगी जैसे किसी को यह कह देना हरिश्चंद्र सत्यवादी हो क्या ज्ञानी बड़ा आदमी महात्मा किसी को हरिश्चंद्र सत्यवादी कहना व्यंजना व्यंग दोनों हो सकते हैं किसी को ज्ञानी कह देना व्यंजना व्यंग दोनों हो सकते हैं किसी को बड़ा आदमी कह देना व्यंजना व्यंग दोनों हो सकते हैं और किसी को महात्मा कह देना भी व्यंजना और व्यंग हो सकते हैं तो इस प्रकार से जब हमने बात करी अभी अभी हमारे जो हम हिंदी भाषा सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं भाषा पे और हमने जब बात कर ली पहले कि हमने बात करी सबसे पहले आ, आ, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो रचना के आधार पर शब्द थे और वहां पर हमने रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों की बात करी उसके बाद में हमने शब्द शक्ति के आधार पर जब शब्दों की बात करी तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है और उस अर्थ को उसके बोधक को व्यंजक को शक्ति कहा जाता है और शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है पहली शब्द शक्ति हमारी होती है अभिधा अभिधा में जो प्रचलित अर्थ है किसी शब्द का उसी को समझा जाता है दूसरी होती है लक्षणा लक्षणा में क्या होता है कि उस शब्द का सामान्य अर्थ तो कुछ और होता है लेकिन उसके लक्षण कुछ और होते हैं यानी कल्पना और भावार्थ भिन्न निकाला जाता है और तीसरी फिर हमने उसके बाद में बात करी हमने व्यंजना की व्यंजना का आपका मतलब हो गया कि जब आप व्यंजना की चर्चा करते हैं तो व्यंजना में आपका यह हो गया कि अभिधा तो है लेकिन अभिधा के साथ साथ भिन्न अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना या व्यंग करते हैं जैसे किसी को यह कह देना बुद्धिमान हरिश्चंद सत्यवादी बड़ा आदमी ज्ञानी महात्मा महापुरुष महारानी देवी इस तरह के जो संबोधन होते हैं वो व्यंजना के प्रतीक होते हैं उसमें व्यंग भी हो सकता है और व्यंजना भी हो सकती है तो इस प्रकार से जब हमने शब्द शक्ति की अभी बात करी है तो तीन प्रकार की चर्चा करी है और इस व्याख्यान श्रृंखला के भाग में मैंने आपको भाषा शिक्षण में दो मुख्य चीजें बताई हैं और पहली आपकी थी रचना के आधार पर शब्द और दूसरी आपकी थी शब्द शक्ति के आधार पर शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द यौगिक शब्द योगरूढ़ रूढ़ शब्द और शब्द शक्ति के आधार पर जब हमने बात करी तो हमने चर्चा करी अभिधा की लक्षणा की और व्यंजना की आशा करती हूँ कि आप ये भाषा के प्रति आपका जो लगाव और आपका मोह और भाषा को जो हमें गरिमा प्रदान करनी है इसके लिए इन सब चीज़ों का समझना बहुत ही आवश्यक है और आप इसे आत्मसात कर पा रहे होंगे इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद